अज़ीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आप लोगों की जो मैरिज हर्डल से उसके रिमूव करने के सदकात वगैरह बताए जाएंगे, तो इसकी तरफ हम चलते हैं, देखें और समझने की कोशिश करें। ये मैं शॉर्ट करके छोटा बना के लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये फर्स्ट होता है, ये सेवेंथ होता है। फर्ज़ करो किसी का बुर्ज मीज़ान है तो उसका सेवेंथ होगा हमल। अगर फर्स्ट तुला होगा, लिब्रा होगा फर्ज़ करो, तो सेवेंथ जो होगा वो एरीज़ होगा। और यहाँ पे फर्ज़ करो कि मरीख उल्टा बैठा है, मार्स उल्टा है, मार्स या मरीख, मंगल मरीख ये उल्टा है करीब कर, मार्स मंगल या मरीख ये उल्टा है तो फिर जो सदकात होंगे वो मैदनियात से होंगे, क्योंकि हमल बुर्ज जो है, हमल बुर्ज या एरीज़ जो है ये मैदनियात से ताल्लुक़ रखता है, माइनिंग से ताल्लुक़ रखता है, माइनिंग मिनरल्स। तो इस सूरत में जो इसका सदका होगा वो सिंदूर होगा। और अगर इसकी जगह पे हम जोज़ा कर लें, और यहाँ अकरब आ जाए, कोस आ जाए, अगर यहाँ पे फिर मरीख अगर रिवर्स हो, उल्टा हो, मार्स उल्टा हो, तो फिर हम गोश्त का सदका देंगे। अगर इस कंडीशन में आ जाए हमल की जगह पे तो गोश्त तो देंगे, और वो गोश्त परंदों का होगा, और उन परंदों के गोश्त का सदका दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके सेवेंथ हाउस में अगर संभला आ जाए और यहाँ मरीख हो, तो फिर गोश्त का सदका जो हलाल जानवर हैं, हलाल जानवर का गोश्त जैसे गाय और भैंस, फिर ये इन जानवरों का, चौपायों का जो गोश्त है वो सदका किया जाता है। और अगर मरीख के साथ और सयार होंगे तो फिर उनके भी सदकात दिए जाते हैं। जैसे अगर अतारद उल्टा हो तो फिर उसके जो सदकात हैं अतारद के वो हैं घास
और सब्ज दाल। तो अगर अतारद का सदका कभी घास दिया जाएगा, कभी सब्ज दाल दिया जाएगा। ये जब अगर बुध, जिसे बुध बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, अगर उसकी कमज़ोरी होती है तो फिर घास का सदका या सब्ज़ दाल या कभी कभी थोड़ा सा मुख्तलफ होता है। तो जिस तरह से सदकात दिए जाते हैं, उनके सदकात को मुख्तलफ लिहाज से, मुख्तलफ तरीके से दिया जाता है। जब आप लोग जादू की हांडी का तोड़ जब करते हैं, जादू का तोड़ हांडी में करते हैं, तो उसमें जो डालते हैं, उसमें डालते हैं काली दाल माश। तो एक्चुअल जो जादू की हांडी होती है, फर्ज करो अगर शादी का के लिए की बंदश को तोड़ने के लिए, तो उसमें सब में काली दाल माश नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर वो मरीख होगा तो फिर उसके जो सदकात होंगे वो गोश्त या कुछ और होगा। और अगर काली दाल माश अगर बिलफर्ज सपोज एरीज में बैठा है, यानी बुर्ज हमल में बैठा है, क्या बैठा है, सेटर्न बैठा है, और उसके साथ जो है मरीख बैठा है, मार्स भी बैठा है, और दोनों रेट्रोग्रेड हैं यानी उल्टे चल रहे हैं, तो फिर इस हाल में क्या होता है, काली दाल माश ये डालते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल जो एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है उसके मुताबिक जो ये मैदनी है, मैदनियाती बुर्ज है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कोयला और सिंदूर, हमें कोयला और सिंदूर जो है उसके उतार के लिए, उस बंदश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी तरह इनका अस्माए इलाही से, आयात करीमा से और सूरतों से भी इनका तोड़ किया जाता है। तो उस वो समझो सोने पे सुहागा हो जाता है, और वो जादू जिस तरह का भी होता है वो तोड़ हो जाता है। और उसका जो तरीक़ेकार होता है वो मरीज़ और उसकी माँ का नाम लेके उसके मुताबिक अस्माए इलाही का इस्तखराज किया जाता है। इल्म जफर इसमें बड़ी रहनुमाई करता है। और जब उन अस्माए इलाही को इस्तखराज किया जाता है, उसके बाद उनका जो जायचा होता है, उसके जो ये सदकात होते हैं, इनकी जो है इनसे उतारा किया जाए, चाहे वो हांडी बना के उतारा करें, पोटली बना के उतारा करें किसी बर्तन में, तो उनका ये तरीक़ेकार होता है। एक्चुअल तरीक़ेकार ये है, क्योंकि मरीख का सुर्ख रंग है और सुर्ख रंग का सिंदूर और जहल का जो है वो काले रंग की अशिया है। काले रंग की अशिया भी दो हैं, मियन मैदनी हो, नबाताती हो, हैवानाती हो, किस तरह, तो सब में जो है काली दाल माश नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसकी जगह पे कोयला डाला जाएगा। क्योंकि हमल की जो मखलूकात, अगर हमल का जो जादू होगा किया गया, तो उसकी जो मखलूकात होगी उसकी एक जिन्नात जो होगी वो कोयला खाएगी, अगर उसके साथ जोल बैठा हो तो, और वो सुरख रंग सिंदूर खाएगी। तो इस तरह से इनका तोड़ किया जाता है। कामन तरीन तरी आसान तरीन मैंने बताया, आज तक आप लोगों को इस चीज़ को कोई भी नहीं बताएगा, बल्कि लोग सिर्फ कापी टू कापी चलते आ रहे थे, तो उन्होंने आप लोगों को सैकड़ों जो है चैनल्स आपको हांडी का तोड़ बताएंगे, लेकिन कभी आप लोगों को एक्चुअल चीज़ नहीं समझाएंगे। इससे मेरे इस तरीके से आमलिन को भी फ़ायदा है, मेरे इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स को भी फ़ायदा है, मेरे इस तरीके से
आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो इनको देखा करें, समझा करें, और फिर जब आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि आपके जो है बुक में लिखा हुआ है कि बुध का जो है जो सदका है वो जो है मूंग की दाल है सब्ज़, तो आप सब लोग सब्ज़ दाल निकालना शुरू कर दें। भाई अगर वो कहीं परंदों को खिलाना पड़ेगा तो फिर वो जो है कुछ और खिलाना पड़ेगा, अगर जानवरों को खिलाना पड़ेगा तो कुछ और खिलाना पड़ेगा। तो जिस तरह के सदकात होते हैं, जो सयारे जिस तरह से होते हैं उल्टे, उनके मुताबिक सदकात में तब्दीली होती है, और इसके लिए इल्म का होना लाजमी है। बग़ैर एस्ट्रोलॉजी आप लोग जो है अमलियात में इतने कामयाब नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।